कल सुबह 11 बजे पेश होगा दिल्ली का बजट। दिल्ली का बजट बुधवार को सुबह 11 बजे पेश होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय में सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को स्वीकृति दे दी है और आम आदमी पार्टी की सरकार को यह सूचना दे दी गई है। ये बयान केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर विवाद पैदा होने के बाद आया है। विजेंद्र गुप्ता एक साल के लिए दिल्ली विधानसभा से सस्पेंड। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को एक साल तक के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया है। मंगलवार को विजेंद्र गुप्ता ने सदन में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया था। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने सदन की कार्रवाई में व्यवधान का जिक्र किया था। इसके बाद स्पीकर ने कहा कि विजेंद्र गुप्ता ने खराब मंशा से ये नोटिस दिया है। स्पीकर और विजेंद्र गुप्ता के बीच इस मामले में तीखी नोकझोंक भी हुई। इस पर स्पीकर ने विजेंद्र गुप्ता से उन्हें अगले बजट सत्र तक सदन से बाहर रखने का फैसला सुनाया। फसल नुकसान पर 32,000 रुपए एकड़ देगी सरकार। ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से मध्य प्रदेश के किसानों की फसल के नुकसान का जायजा लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खुद फील्ड पर उतरे। उन्होंने सागर जिले में प्रभावित गांव का दौरा करते हुए खराब हुई फसलों का जायजा लिया और किसानों के हित में घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 50% से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 32,000 रुपए की राहत राशि किसानों को दी जाएगी। शिवराज की लाडली बहना योजना कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की पूरी योजना बना ली है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में लाडली बहना योजना को लेकर लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश के 19 जिलों में मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आ सकता है। पुलिस ने डॉक्टर्स पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ आज दूसरे दिन भी राजस्थान में डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल जारी रखी। हजारों की संख्या में डॉक्टर्स विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। इसी बीच स्टैचू सर्कल के पास पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने डॉक्टर्स को रोका और जमकर लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद विधानसभा में डॉक्टर्स पर हुए लाठीचार्ज पर हंगामा भी हुआ। कोटकपुरा फायरिंग मामले में सुखवीर बादल को राहत। पंजाब के कोटकपुरा गोलीकांड मामले में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह बादल को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे पहले 2015 में बेअदबी और पुलिस गोलीबारी के मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने पंजाब के फरीदकोट की अदालत में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखवीर बादल और पूर्व डीजीपी सुमेश सिंह सैनी को मास्टरमाइंड बताते हुए चार्जशीट दायर की थी। नेत्रहीन लड़की ने जूडो कराटे चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। मानसा जिले के गांव जट्टाना कला की रहने वाली एक नेत्रहीन लड़की ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई जूडो कराटे चैंपियनशिप में नेत्रहीन वीरपाल कौर ने गोल्ड मेडल जीता है। गांव पहुंचने पर नेत्रहीन वीरपाल कौर का जोरदार स्वागत किया गया। वीरपाल कौर बचपन से ही नेत्रहीन है। एसजीपीसी ने सिख युवा के गिरफ्तारी का जताया विरोध। बारिश पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बयान भी सामने आया है। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कुछ दिनों से पंजाब पुलिस के द्वारा सिख युवकों के साथ जाति की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्दोष सिख युवकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। बिना किसी आरोप के मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों को गिरफ्तार करना ठीक नहीं है। सीएम भगवंत मान ने अमृतपाल को दी चेतावनी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लोगों के नाम संदेश दिया है। यह संदेश पंजाब की मौजूदा हालात को देखते हुए दिया गया। उन्होंने लोगों से न घबराने की अपील की है। सीएम ने कहा कि मेरी खून का हर एक कतरा पंजाब के लिए हाजिर है। कोई भी पंजाब की शांति को भंग नहीं कर सकता। पंजाब सेफ हाथों में है। पंजाब के लोग बेफिक्र रहे हैं। साथ ही सीएम मान ने वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को भी चेतावनी दी है। बारिश से रेलवे की तीनों लाइनों पर ट्रेन सेवाएं बाधित। मुंबई में हो रही भारी बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे का यातायात बाधित हो गया है। बारिश से सेंट्रल वेस्टर्न और हार्बर रेलवे लाइन प्रभावित हुई है। पनवेल सीएसटी ट्रेनें आधा घंटा देरी से चल रही हैं।
मुंबई में कई जगहों पर रेलवे ट्रैक बाधित होने के कारण शेड्यूल में बदलाव किया गया है। आरक्षण पर सियासत फिर तेज। छत्तीसगढ़ में पिछले साल से आरक्षण विधेयक राजभवन में अटका पड़ा है और अब नए राज्यपाल आने के बाद से एक बार आरक्षण के लिए कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस दिग्गज आदिवासी नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के विधायक के साथ सोमवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मिलने गए थे। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस ने कहा कि नए राज्यपाल पर भी राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया है। बीजापुर में पुलिस मुठभेड़ में महिला नक्सली कमांडर ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर पुलिस को एक महिला नक्सली कमांडर को मार गिराने में सफलता हासिल हुई। मंगलवार सुबह हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जवानों की टीम ने एक महिला नक्सली का एनकाउंटर किया है। हालांकि इस महिला नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि मारी गई महिला नक्सली नक्सल संगठन के पीएसजीए कंपनी की सदस्य थी। रांची में अतिक्रमण और गंदगी को लेकर हाईकोर्ट नाराज। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में डैम, तालाब और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर दाखिल कई जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची नगर निगम से जलाशयों और जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है। रामनवमी में डीजे पर प्रतिबंध। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी के दौरान डीजे पर प्रतिबंध और बड़े पैमाने पर जुलूस निकालने पर रोक के आदेश पर मंगलवार को झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। वारिस पंजाब दे संगठन ने जम्मू कश्मीर से हथियार खरीदे। वारिस पंजाब दे के अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह का अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब दे के खिलाफ बड़ा बयान सामने आया है। दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि अमृतपाल के संगठन वारिस पंजाब दे ने जम्मू कश्मीर से कुछ हथियार खरीदे हैं। वहीं कुछ मामले भी सामने आए हैं जिसमें कुछ हथियार यहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों को भेजे हैं। पैर पर कुल्हाड़ी मारी। आर्थिक बदहाली का शिकार पाकिस्तान अपने हालात सुधारने के लिए विदेशी फंड चाहता है। इसके लिए वहां की हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से गुहार लगाई थी, मगर कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने यहां पेट्रोल और गेहूं के आटे पर सब्सिडी का ऐलान किया है, जिससे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने नाराजगी जाहिर की है। IMF ने कहा कि इस बारे में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई थी। कोर्ट पर मिसाइल हमले की धमकी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ICC की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने मिसाइल हमले की धमकी दे डाली है। मेदवेदेव ने ICC न्यायाधीशों को आसमान को करीब से देखने की चेतावनी दी और अंतर्राष्ट्रीय अदालत को एक दयनीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए गिफ्ट का नहीं किया खुलासा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मुसीबतों से घिरते जा रहे हैं। एक ओर उन पर पोर्न स्टार से संबंध रखने और उसे पैसे देने के आरोप हैं, वहीं दूसरी ओर उन पर पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की तरह तोशखाना जैसा घोटाला करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उन्हें विदेशी नेताओं से करोड़ों के गिफ्ट मिले थे। इन गिफ्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए गिफ्ट भी शामिल हैं। रूपर्ट मर्डोक 92 साल की उम्र में करेंगे 5वीं शादी। मीडिया क्षेत्र के कारोबारी रूपर्ट मर्डोक ने सोमवार को घोषणा की कि वह 92 साल की उम्र में 5वीं शादी करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अरबपति कारोबारी ने 66 साल की पूर्व पुलिसकर्मी एन लेस्ली स्मिथ से अपनी सगाई की घोषणा की। UK के सांसद का खालिस्तानियों को मैसेज। लंदन में रविवार को खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिटेन के भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की। इसके अलावा उन्होंने भारतीय झंडे को नीचे उतार दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश कंजर्वेटिव के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने सोमवार को कहा कि ब्रिटेन में रहने वाले सिखों का विशाल मोहम्मद इस तरह की खालिस्तानी करतूतों को पूरी तरह से खारिज करता है।
सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पुलिस को अलगाववादी लोगों से ठीक से निपटने को भी कहा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।